चंडीगढ़ नगर निगम के हाउस की बैठक काफी हंगामेदार रही। सांसद किरण खेर सहित अन्य पार्षदों ने शहर वासियों पर एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स लगाने का विरोध किया। दलील दी गई कि इससे मिडिल क्लास पर बोझ बढ़ेगा, जिसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वहीं नगर निगम की बैठक में शहर के 90 पार्किंग स्लॉट्स को पेड पार्किंग में तब्दील करने के फैसले पर मुहर लगा दी गई। एंटरटेनमेंट टैक्स का नाम विरोध किया है, यानी कि चंडीगढ़ में नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। लोगों के लिए क्या एंटरटेनमेंट है सिवाय फैमिलीज के, मिडिल क्लास फैमिलीज फिल्म देखने चले जाते हैं सारे, एक उनकी आउटिंग होती है। ये बात नहीं कि वो टीवी पर नहीं देख सकते, एक वाइफ की बच्चों की एक आउटिंग होती है, फादर लेकर जाता है। उसके लिए पहले टिकटें इतनी महंगी है मल्टीप्लेक्स में, उसके ऊपर से खाने पीने का सामान बड़ा महंगा होता है वहाँ पर, तो बोझ बहुत बढ़ जाता है। और मेरे ख्याल से जब आपका GST लगा हुआ है उसके ऊपर से आप एक और टैक्स लगा दें और चंडीगढ़ उसमें पहल करें, ये बात ठीक नहीं है, तो इसीलिए उसका विरोध करें। पहले जो सबसे पहले पिक एंड ड्रॉप है 10 मिनट का वो तय हुआ है, उसके बाद 4 घंटे तक 5 और 10 रुपये, 4 घंटे के बाद जो है 10 और 20 रुपये तय हुआ है। और उसके बावजूद जब तक वो 3 महीने तक जो है स्मार्ट फीचर कहें वो जब तक नहीं करेंगे तो रेट 5 और 10 रहेंगे। वो भी ऐड होगा कि 12 घंटे के बाद जिसको भी जो रखेगा तो उसका डबल चार्ज। अभी उसका फाइनल नहीं हुआ? नहीं, अभी 3 महीने बाद फाइनल। उधर चंडीगढ़ कांग्रेस ने ओपन जिम में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं किरण खेर का कहना है कि एक्शन CBI को लेना है। वो तो सारे उनको CBI कर रही है, उनके ऊपर भी कार्रवाई, हम तो नहीं कर रहे। तो ये जब अगर CBI आके यहाँ से कोई फाइल्स ले भी गई है तो CBI उसकी देखेगी उसको उसमें क्या है। डजंट मीन कि फाइल्स ले गई है तो ज़रूरी है कि किसी ने कुछ गड़बड़ की है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो वो अपने आप बाहर आ जाएगी, सिंस CBI टेकन इट। हमें उसकी कोई इतना जल्दी ना चिंता है। पहले 10 मिनट के लिए पिक एंड ड्रॉप के लिहाज से पार्किंग चार्ज नहीं होगा, जबकि 4 घंटे के लिए 4 पहिया वाहन चालक को 10 और 2 पहिया चालक को 5 रुपए देने होंगे। वहीं अगले 4 घंटे में पार्किंग चार्ज डबल हो जाएगा। चंडीगढ़ से नितिका महेश्वरी, जी मीडिया।